Normal life continues to be disrupted in the hills, heavy rains continue to batter parts of Himachal and Uttarakhand. The MET department has issued a red alert for Uttarakhand for the next two days, that is, today and tomorrow. Meanwhile, an orange alert has been sounded for eight districts of Himachal. These include Solan, Shimla, Simur, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi and Una districts there have been uh, heavy rain in many districts in the hills for the last couple of days, causing waterlogging and flooding and disrupting the normal lives of the people. my colleague Poonam brings this ground report from solan where incidents of landslides as well as land sinkings have been reported. <laughs> कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कई जगह लैंड सिंकिंग हो रहा है आपको बता देती हूँ इस वक्त मैं सोलन में हूँ और लैंड सिंकिंग के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं सोलन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप हाइट देख लीजिए कितना जो है लैंड सिंक हुआ है पहले जिस जगह पे मैं खड़ी हूं ये जो लैंटर है ये यहाँ पर ऊपर था ऊपर की तरफ था लेकिन अब आप देख सकते हो किस तरह का मंजर यहाँ पे है और कितना फीट गहरा जो है ये जा चुका है और लैंड सिंकिंग आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लैंड जो वो धस चुका है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ आप देख सकते टाइल यहाँ पे, पे, पे लगी है पूरा बरंडा यहाँ पे था लेकिन अब आप देख सकते हो किस तरह के हालात है पूरा का पूरा मलबा जो है नीचे आ चुका है टाइल्स देख सकते हैं आप टूटी हुई टाइल यहाँ पे है और आपको ये भी बता देती हूँ यहाँ पे आप दिख रही होगी आप मूर्ति यहाँ शनि देव की वो भी टूट के नीचे उल्टी पड़ गई है साथ में यहाँ पर नवग्रह का मंदिर था पूरे के पूरे जो ग्रह ये देखिए आप इसमें रखे गए हैं आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे हैं ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं नवग्रह है और अब जो है आप देख सकते किस तरह के हालात है लैंड सिंकिंग की वजह से पूरे के पूरे ग्रह इसमें क्रेट में रखे गए हैं लेकिन आपको ये हालात हिमाचल में हर जगह है भयानक हालात जो है भयानक स्थिति से हिमाचल इस वक्त गुजर रहा है